सिविल हस्पताल हुशियारपुर विखे सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने एमरजेंसी सेवावां दी चैकिंग कीती अते अधिकारियों नूं सेहत सुविधावां बेहतर ढंग नाल जनता तक पहुंचाउण दे निर्देश दित्ते। इस मौके ते पत्रकारां नाल गल्लबात करदे होए डॉक्टर बलबीर सिंह ने पंजाब सरकार वल्लों सेहत सुविधावां विच कीते जा रहे सुधारां दी जानकारी दित्ती। इस दौरान मेयर सुरिंदर कुमार, डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तर अते सेहत विभाग दे अधिकारी भी मौजूद सन। इहदे विच मान गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जोड़े आम आदमी क्लीनिक है प्रायमरी केयर के प्लस जोड़े सीएम की योगशाला प्रायमरी केयर का बहुत अच्छा रिस्पोंस है, लोगों के बहुत पॉजिटिविटी और लोगों को फायदा हो रहा। हूँ उन्होंने अगला जोड़ा देश है कि सेकेंडरी जोड़े अपने केयर के हॉस्पिटल है जिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजन हॉस्पिटल और कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर, उन्होंने उन्होंने स्ट्रेंथनिंग करनी है। वो वास्ते मैं तो साढ़े प्रिंसीपल सैकटरी है जी बीपी सिंह जी, असी दौरा कर रहे हैं सारे पंजाब के जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है सारे जिले में आ रहे हैं और जिले की पूरी प्लैनिंग करते हैं। बाकी थान से भी जिस तरह तुम देख रहे हो कि थोड़ी इतने एमरजेंसी ठीक बनी हुई है और भरी पई है, एमरजेंसी के पेशेंट्स जो आ रहे हैं उन्होंने सर्विसिज मिल रही है, उन्होंने होर बेहतर किमें आप चलाना है, होर बेहतर तरीके किमें करना है, वो वास्ते असं जो लोकल थोड़े सिविल सर्जन, डिप्टी कमिश्नर मैडम, होर जिन्हें साढ़े डिप्टी मेडिकल कमिश्नर और SMO जो इंचार्ज हॉस्पिटल, उन्होंने सारे नाल बैठ के विचार वटांदरा करके उन्होंने कि कोई गैप फंडिंग की लड़ है, कोई नवी इक्विपमेंट की लड़ है, जो पर्टिकुलर जी कि बिल्डिंग की भी लड़ है, वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने बूस्ट कर रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर सहूलत मिले। हाँ, डेंगू का भी एक इशू है जी, साढ़ा इतने आने का एक रीज़न वह भी है कि पिछले जे हुशियारपुर के ना जिते कितने भी स्पॉट होती असं आप जाके आने और असं स्पैशल कंपेन भी चला रहे हैं वास्ते, ब्लड कंपोनेंट्स भी आ रहे पेशेंट्स हुशियारपुर कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा आ रहे थे, इस करके एक भी कारण है, वह भी सारा रिव्यू करेंगे जी। और असं जिम्मे ब्लड कंपोनेंट्स है, अजय टच वुड कोई डैथ ज़्यादा नहीं हो रही है, सिचुएशन कंट्रोल हैगी है, बट डेंगू ना होवे इहदे वास्ते तुहानूं सारयां नूं भी बेनती है जी कि हर घर दे विच असीं जिहड़ा हैगा जाके लोकां नूं एजुकेट कर रहे हैं, घर घर जाके जिथे किते हॉटस्पॉट हुंदा असीं उत्थे स्पैशल कंपेन करदे हां, उहदे च नर्सिंग स्टूडेंट्स, साडे डॉक्टर्स, साडा जिहड़ा स्टाफ जाके उह लोकां नूं एजुकेट करदा कि घर दे फ्रिज दी जिहड़ी नीचे ट्रे आ पुराने फ्रिज दे विच जां जिहड़े पाणी दे कूलर आ पंछियां लई पाणी रखदे हां, जां असीं कोई टुट्टे ठीकरे सुट्टे हुंदे आ जां कोई भांडे सुट्टे हुंदे आ डब्बे प्लास्टिक दीआं प्लेट्स होर जिहड़े उहदे विच वी डेंगू ब्रीड करदा हैगा, घर दे तुहाडे आसे पासे ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, वो भी असी सारी चैकिंग करते हैं तो उन्होंने असी बाई ऑल मीनस के उसकी प्रिवेंशन के नाल मॉस्किटो नैट यूज़ करो, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करो। और इस तो सिवाए अज मेरा पर्टिकुलर है भी जो डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर जो कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और हैल्थ डिपार्टमेंट है, इन्होंने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना वो वास्ते भी मीटिंग कर देखो काफ़ी अच्छा कहूँगा मैं जो मैं बाकी सारे पंजाब के भी चेक करता काफ़ी अच्छा है, बट बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है जो जो असी जो साड़ी विजिट का परपज़ है इनू होर बेहतर बनाना जी। असं जो मिसाल के तौर पर एक असी बाहर जोड़ा है पेशेंट फैसिलिटेशन सेंटर जो अटेंडेंट्स है अंदर ना बैठे होने पीने पानी हो, कन्वीनियंसिस हो और उत्थे उन्होंने फैसिलिटेट करने वास्ते कोई स्टाफ डेडिकेटेड स्टाफ हो, और जिमें बहुत सारे बंद को यूज़ के कार्ड एलिजिबल होंगे पर नहीं है वो वाली गाइडेंस होना वास्ते, होर बहुत सारिया जड़िया पेशेंट ताकि जो पेशेंट एमरजेंसी आए कोई लेबर रूम चाहे जो हस्पताल ओपीडी चैकअप करा आए जो उन्होंने कोई मीट एंड ग्रीट अधिक प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाती। हाँ वो वास्ते असी स्पैशल जी कंपेन चला रहे हैं साड़िया जी स्पैशल असी एजुकेशनल कुछ बैंस भी भेजिया हुई जिहड़ियां लोग जाके लोगों को एजुकेट करते हैं टैसटिंग करांगे और असी उचेचे तौर पर असी मतलब एक स्पैशल कंपेन है वो मैं थोड़े नाल साझा नहीं करूँगा जी। अजे मैडिकल कॉलेज बनना जी वो साड़ी जिहड़ी टेंडर प्रोसैस है पहला असी दो बारी की B&R ने की सी, असी उन्होंने कंसल्टेंट भी दिता सी, कोई गल जी मतलब बनी नहीं है। हुण असी जिहड़ा हैगा पंजाब PIDB पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट बोर्ड उन्होंने एक्सट्रा फंड्स दिते आ ते असी कोई साडे CM साहब दे ध्यान च जी असी डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता कि जिहड़ियां कोई रिप्यूटेड संस्थावां हैगियां जिन्होंने देश दे विच मैडिकल कॉलेज कंस्ट्रक्ट कराए आ उन्हां नूं असी इह बड़ा जिहड़ी जिम्मेवारी देईए, वो एक प्रोसैस है, वो प्रोसैस चलती है। मैं लगता कि थोड़ा इस साल के मैडिकल कॉलेज की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, वो सारा मैं विजिट करना स्पैशलिस्ट भर्ती किए हैं और इस तो सिवाए असी 1880 जोड़े नवे स्टाफ है 350 डॉक्टर है वो सैकटरी साहब ने सारी प्रोसैस कंप्लीट कर ली है जी बीपी सिंह जी ने, और बाकी सारे नर्सिस भी है, दूजे जोड़े पैरामेडिक्स भी है और वार्ड अटेंडेंट और सारे वे आए, वो जो स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है जी, उन्होंने जी सारी एक नैचुरल प्रोसैस है, जी डॉक्टर की भर्ती है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा और बाकी जो स्टाफ रही कैनी तो डॉक्टर की शॉर्टेज है जी बहुत मतलब और रेडियो डायग्नोसिस होर भी ज़्यादा शॉर्टेज है, जोड़े अल्ट्रासाउंड करने वाले होंगे एनेस्थेटिस्ट की मैडिकल स्पैशलिस्ट की शॉर्टेज है। ये असी ये पहली बार है कि मान सरकार ने स्पैशलिस्ट रखे और जोड़े बच्चे साढ़े को PG करना आते MDMS करना आते
वह तकरीबन 300 होंगे हर साल। वो पहली बार है कि असी वो सारे 300 के 300 उन्होंने जॉब देती। साढ़े मैडिकल कॉलेज की कमी पूरी हो गई है, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के आए हैं, तो अगले साल साढ़े जोड़े है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब डिविजन हॉस्पिटल सारे स्पैशलिस्ट आ जाएंगे जी। उन्हों की गिनती जिम्मे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तर घट्टो घट 4 या 5 गायनाकोलॉजिस्ट एन ई पोडाट्रीशियन एनस्थेटिस्ट इतने है 6 है इतने वालों ना, लेकिन बाकी जगह तो नहीं है। सानू टांडे भी और दूजी जगह पर भी जोड़ा गढ़ शंकर भी इतों भेजने पै रहे हैं इस करके, पर साढ़े को एनस्थेटिस्ट है कुछ एक जोड़े तुम दस्या भी गायनी मैडिसन और कुछ एक चीज़ें सिकैटरी के भी घट है रेडियो डायग्नोसिस घट है वो स्पैशलिस्ट तो ट्रेन करने पड़ेंगे। डिपार्टमेंट अलग है रूरल डिपार्टमेंट को लिया। मैं अज भी मंत्री जी ने गल की है उन्होंने जोड़े नवे सैकटरी साहब लगे उन्होंने नाल भी मैं गल की है, वो असी प्रोसैस कर रहे हैं। असी उन्होंने कहा भी तुम दवाई सातों लै लो उन्होंने दवाइया पहुँचाओ सर। इंद्रजीत सिंह गुरप्रीत गोपी की रिपोर्ट।